राजस्थान में लगभग 19.6 लाख महिलाएं हर साल गर्भवती होती हैं और लगभग 17.8 लाख प्रसव कराए जाते हैं। इनमें से 10-15% लगभग 1.9 लाख केसेस में जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिन्हें उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी या HRP की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें से 80% प्रसूताओं को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समय पर पहचान कर उनका प्रबंधन किया जा सकता है और बाकी 20% महिलाओं को सी सेक्शन और अन्य प्रसूति जटिलता प्रबंधन के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। लगभग 36,000 गर्भवती महिलाएं गंभीर रूप से अनीमिक होती हैं। HRP महिलाओं की समय पर पहचान और व्यवस्थित जांच एवं प्रबंधन से मातृ मृत्यु तथा प्रसव संबंधी जटिलताओं में निश्चित रूप से कमी आ सकती है। इसी परिकल्पना के साथ राजस्थान सरकार ने कुशल मंगल कार्यक्रम को जुलाई 2015 में प्रारंभ किया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं एवं खतरे की शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन, HRP की पहचान, ट्रैकिंग, लाइन लिस्टिंग एवं फॉलोअप हेतु एक तंत्र की स्थापना, रेफरल के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा निश्चित रूप से उपलब्ध कराना, विशेष केसेस को विशेषज्ञ देखभाल और प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए संस्थागत प्रसव कराना, HRP की प्रसवोत्तर देखरेख और प्रसव के पश्चात 42 दिन तक फॉलोअप करना, समुदाय स्तर पर नियोजित गर्भाधान, 2 बच्चों के बीच अंतराल और गर्भधारण पूर्व अनीमिया की रोकथाम हेतु जागृति पैदा करना। HRP महिलाओं पर केंद्रित राजस्थान सरकार की इस अनूठी पहल के 6 महत्वपूर्ण घटक थे: सुनियोजित गर्भधारण, ट्रैकिंग और प्रबंधन, फॉलोअप, निश्चित रूप से एम्बुलेंस की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात देखभाल। कुशल मंगल कार्यक्रम को राज्य के सभी 34 जिलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नियोजित गर्भधारण को बढ़ावा दिया गया। इसमें किशोरावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव, 18 साल की आयु के बाद विवाह, पहला गर्भधारण 20 वर्ष की आयु के बाद, 2 गर्भावस्थाओं में 3 साल का अंतर और 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण न करने का सुझाव दिया गया। साथ ही रिपोर्टिंग तंत्र भी स्थापित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से विकसित रजिस्टर समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाए गए। KMK का रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाकर PCTS से भी रिपोर्टिंग लिंकेज किया गया। इन प्रयासों से HRP की लाइन लिस्ट, ट्रैकिंग तथा रिपोर्टिंग आरंभ हो गई। HRP फॉलोअप के लिए 104 नंबर पर कॉल की सुविधा के साथ HRP स्टेट हेल्प डेस्क एवं परामर्श केंद्र स्थापित किया गया। राज्य में 108 नंबर के वाहन द्वारा रेफरल के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई गई। गर्भावस्था के दौरान ही सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधा के चुनाव की सलाह दी गई। प्रसव पश्चात और 42 दिन तक माँ और नवजात शिशु की देखभाल की गई। इन सुनियोजित आयोजनों से HRP प्रसूताओं की गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण, प्रसव योजना, संस्थागत प्रसव का व फॉलोअप संभव हो सका। HRP प्रसूताओं पर केंद्रित उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के रूप में कुशल मंगल कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देश में मिसाल कायम की है। कार्यक्रम के अब तक के प्रयासों से मिले अनुभव से हमें इसे और विस्तृत एवं प्रभावशाली रूप में आगे ले जाने की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए हम मातृ स्वास्थ्य की नवीन गाइडलाइनों के अनुरूप कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने के साथ साथ रिपोर्टिंग तंत्र को और सुधार कर एक नया आयाम देने की संकल्पना करते हैं।